हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आर्डुइनो की लेक्चर सीरीज में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर से किसी एनालॉग सिग्नल को रीड कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई सेंसर है और उस सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर से रीड करना है और उसके बाद कोई टास्क परफॉर्म करवाना है बेस्ड ऑन सेंसर सेंसिंग वैल्यू, तो किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोटियस का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रोटियस में हम बेसिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसका प्रोग्रामिंग हम आर्डुइनो आईडीई में करेंगे और उसके बाद उसको हम हार्डवेयर में परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह से पूरी प्रोसेस रहती है। सबसे पहले प्रोटियस, जो कि एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, अगर आपको नहीं पता है किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं प्रोटियस में जो भी हमें जो भी कंपोनेंट चाहिए उसको यहाँ से ले लूँगा। तो पिक डिवाइस में यहाँ पे हमें मिल जाएंगे आर्डुइनो, यहाँ पे मैं आर्डुइनो ऊनो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। देन हमें एक इंफ्रारेड सेंसर चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आईआर सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर, ओके, तो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देन हमें यहाँ पे एक एलईडी की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे मैं एक एलईडी यूज़ करने वाला हूँ और एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर, तो ये मिल गया हमारा रजिस्टर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आर्डुइनो है, ओके। इस आर्डुइनो से हम कोई एक सेंसर की वैल्यू रीड करने वाले हैं, ओके, और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सेंसर वी विल परफॉर्म ए टास्क। यहाँ पे आप कोई भी एक टास्क परफॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे कर सकते हो, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक आईआर सेंसर है जिसे आप रोटेट करने के लिए प्लस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सेंसर में एक आउटपुट पिन है, एक ग्राउंड पिन है और एक पावर सप्लाई की वीसीसी पिन है और यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पावर यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे हम वीसीसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा वीसीसी। नेक्स्ट हमें ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक ग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ओके। आप यहाँ पे इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पिन है, तो सेंसर की जो आउटपुट पिन है इसे मैं माइक्रो कंट्रोलर की 12 नंबर की पिन से कनेक्ट करने वाला हूँ, पिन नंबर 12। और हम यहाँ पे एक एलईडी का इस्तेमाल करने वाले हैं, जब भी सेंसर सेंस करेगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, ओके। तो एलईडी को मैं एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ पिन नंबर 13 से। आप कोई भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें 11 से कनेक्ट करना है तो हम 11 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू में यहाँ पे 330 ओम रखने वाला हूँ और यहाँ पे एक ग्राउंड टर्मिनल अटैच कर देंगे, तो ये हो गया, कैथोड को ग्राउंड कर लेंगे, ओके। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम रेडी है। अभी हमें इसका प्रोग्रामिंग करना है कि जब भी ये सेंसर, एक आईआर सेंसर है, ये जब भी सेंस करेगा तो यहाँ पे एलईडी ऑन होनी चाहिए, ओके। तो चलिए प्रोग्रामिंग देखते हैं किस तरह से इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमें यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की पिन्स यूज़ करनी है उसे डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे हैश डिफाइन, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक आर्डुइनो की 12 नंबर की पिन जिसके साथ यहाँ पे एक सेंसर अटैच हुआ है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले आईआर पिन यूज़ करने वाला हूँ, आईआर पिन, इसे हमने 12 नंबर की पिन से कनेक्ट किया है माइक्रो कंट्रोलर की 12 नंबर की पिन से, ओके, हैश डिफाइन। नेक्स्ट हमारी एलईडी पिन है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एलईडी पिन और इसको हमने कनेक्ट किया है 11 से, पिन नंबर 11 से। देन हमें यहाँ पे जो भी सेंसर की वैल्यू मिलती है उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर यूज़ करने वाला हूँ और इंटीजर का मैं नाम रखने वाला हूँ आईआर आईआर वैल, ओके, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखने वाला हूँ। देन हम यहाँ पे एक डिले भी ऐड करने वाले हैं, तो डिले ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे डिले को भी डिफाइन कर लेता हूँ ताकि जब भी हमें टाइम डिले ऐड करना हो तो उसका हम इस्तेमाल कर सके, टाइम डिले। और फॉर एग्जांपल टाइम डिले हम यहाँ पे 1000 या फिर फॉर एग्जांपल हम 500 मिलीसेकंड का रखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे सभी पिन्स को डिफाइन कर लिया है, ओके। अभी हमें उनके पिन मोड डिफाइन करने हैं, तो मैं यहाँ पे पिन मोड डिफाइन कर लेता हूँ। पिन मोड डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है पिन मोड फंक्शन और यहाँ पे लिख देना है जो भी आपकी पिन से, आईआर पिन जो कि हमारी एक इनपुट पिन है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इनपुट, ओके। देन सेकेंड पिन है, इसके लिए हम आउटपुट यूज़ करने वाले हैं, तो पिन मोड। देन पिन है एलईडी पिन जिसका पिन मोड हम यूज़ करने वाले हैं आउटपुट, क्योंकि एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है, ओके, जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो भी आपका टास्क है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं, ओके, तो एक इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। देन यहाँ पे हम एक सीरियल मॉनिटर भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें जो भी डेटा मिले उसे हम सीरियली मॉनिटर कर सके, तो सीरियल बिगिन और बॉड रेट हम यूज़ करेंगे 9600 का, ओके, तो ये सीरियल बिगिन हो गया।
देन हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंसर की वैल्यू रीड करेंगे। तो सेंसर की वैल्यू रीड करके हमें कौन से वेरिएबल में स्टोर करनी है, IR अंडरस्कोर वैल में, ओके। और हम डिजिटल डेटा रीड करने वाले हैं क्योंकि हमने सेंसर को डिजिटल पिन पे अटैच किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करने वाले हैं डिजिटल रीड ओके। और रीड हमें क्या करना है, जो यहाँ पे IR पिन पे जो डेटा मिल रहा है उसे रीड करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उसे रीड करने के लिए IR पिन इस तरह से यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि हमें जो IR पिन पे यानी कि 12 नंबर की पिन पे जो सेंसर डेटा सेंस करके सेंड करेगा उसे हम इस वेरिएबल में स्टोर कर सके, ओके। जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी उसे हमें सीरियली रीड करना है, तो हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में देख लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। सीरियल प्रिंट, LN का मीनिंग होता है न्यू लाइन, ओके। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। IR देन वैल, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी हमें इस वेरिएबल में IR वैल में उसे हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवाने वाले हैं। और हम यहाँ पे डिले ऐड कर देंगे। डिले कौन सा डिले ऐड करना है, जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है टाइम डिले, ओके। उस टाइम डिले को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, टाइम डिले। हम हमेशा यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करने वाले हैं जो जब भी हमें यहाँ पे कोई भी, क्योंकि जब भी हमें यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम में चेंज करना है तो सिर्फ हम यहाँ पे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइम डिले को हमें चेंज करना है 500 की जगह पे 300 करना है, तो हम यहाँ पे 300 कर देंगे, तो पूरे प्रोग्राम में जो जहाँ पे भी हमने टाइम डिले यूज़ किया है वो 300 का हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। यहाँ पे हम जो भी सेंसर की वैल्यू होगी उसे हम इजीली रीड कर सकेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को लोड करके देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या नहीं, ओके। और सेंसर क्या सेंस कर रहा है उसे हम सीरियल मॉनिटरिंग से चेक कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले इसे सेव कर लेंगे, तो सेव करने के लिए आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे IR सेंसर से आपको इसे सेंस कर सेव कर लेना है, ओके। तो IR सेंसर से हमने इसे सेव कर लिया है और इसे कंपाइल करके देख लेंगे कि यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अभी मैं यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को सबसे पहले इंटरफेस कर लूँगा। सबसे पहले हम Arduino Uno को PC से कनेक्ट कर लेंगे, ओके। तो जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलेगा, ओके। पावर ऑन हो गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे टूल्स में जाना है, बोर्ड सिलेक्ट करना है Arduino Uno, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास Arduino Uno बोर्ड सिलेक्ट ऑलरेडी है। यहाँ पे हमें पोर्ट सिलेक्ट करना है, हमें पोर्ट यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है जहाँ पे Arduino Uno लिख के आता है, ओके। तो ये हमारा पोर्ट 4 हो गया है, कॉम पोर्ट 4, ओके। तो अभी हम प्रोग्राम को लोड करने के लिए रेडी है, ओके। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ओके। जब हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा तब हम यहाँ पे IR वैल्यू रीड कर सकेंगे, ओके। तो हमारा प्रोग्राम लोड हो गया है। अभी हमें सेंसर को सेंस करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे सेंसर को भी इंटरफेस कर लेता हूँ। तो सेंसर को सेंस करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ओके। और अभी हमें सीरियल मॉनिटरिंग ओपन करना है। तो सीरियल मॉनिटर हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सीरियल मॉनिटरिंग में वैल्यू इंडिकेट करेगा, ओके। जब भी हमारा सेंसर कुछ वैल्यू सेंस करता है तब आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू 111 मिल रही है वहाँ पे 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो जिस तरह से आप यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल के फॉर्म में यहाँ पे सेंसर को सेंस करवाएंगे तो सेंसर की LED ऑन हो जाएगी और आपको यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में रीडिंग दिखा रहा है 0, ओके। जब आप यहाँ पे ऑब्स्टिकल रिमूव कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको सेंसर की वैल्यू मिल जाएगी 1, ओके। फिर से हम ऑब्स्टिकल के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब सेंसर सेंस करता है तो सेंसर में LED ऑन हो जाती है और यहाँ पे हमारा जो सीरियल मॉनिटर है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0, ओके। जब हम ऑब्स्टेकल रिमूव कर देंगे तो फिर से यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे सेंसर हमारा सेंस कर रहा है और हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसको वैल्यू सेंड कर रहा है। तो वैल्यू जब सेंड करता है तो यहाँ पे हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो उस टास्क को हम इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जब सेंसर सेंस करता है तो उससे किस तरह से टास्क परफॉर्म करवाया जाता है, ओके। तो इसके लिए हम इस सीरियल मॉनिटर को मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ पे अभी हम कोई कंडीशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ IR वेल, यानी कि अगर हमारा सेंसर सेंस करता है तो जब सेंस करता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब भी कोई ऑब्स्टेकल को सेंस करता है सेंसर तो यहाँ पे सेंसर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे कि इफ़ सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू 0, जब सेंसर की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है तो यहाँ पे कोई LED ऑन होनी चाहिए। तो LED ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ डिजिटल राइट, ओके। क्योंकि जब भी हमें LED को ऑन करना है तो उसके लिए डिजिटल राइट फंक्शन यूज़ होता है, ओके। तो यहाँ पे कौन सी पिन हमें ऑन करनी है, LED पिन को हाई करना है। हाई यानी कि LED ऑन होनी चाहिए, ओके।
देन जब भी यहाँ पे हमारा जो सेंसर है वो सेंसर यहाँ पे सेंस नहीं करता है, यानी कि एल्स जब सेंसर की वैल्यू जीरो नहीं होती है तब क्या होना चाहिए, तब हमारी एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो डिजिटल राइट क्या ऑफ होना चाहिए, एलईडी। तो एलईडी को, एलईडी पिन को हम यहाँ पे लो कर देंगे। यहाँ पे आपको खास याद रखना है ये जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर आपको कैपिटल में इंडिकेट करना है लो या हाई तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर ही यूज़ करने हैं। अगर आप स्मॉल लेटर यूज़ करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फिर से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हम रेडी है। फिर से इसे कंपाइल करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ पे कंपाइलिंग हो गया है, अभी हम फिर से प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। ओके, अपलोडिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं। सीरियल मॉनिटर हमारा यहाँ पे ओपन है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू को हम क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे अभी सेंसर कोई वैल्यू सेंस नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1111 आ रहा है। जब भी सेंसर सेंस करेगा तो यहाँ पे 00 होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 00 होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि कोई वैल्यू यहाँ पे और ऑब्स्टेकल कोई है जिसे सेंसर सेंस कर रहा है। ओके, तो जब सेंसर सेंस करेगा तो एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में एलईडी भी अटैच करके रखी है। जब हम इस सेंसर के आगे कोई ऑब्स्टेकल रखेंगे तो ये सेंसर सेंस करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को वैल्यू सेंड करेगा। माइक्रो कंट्रोलर उसकी वैल्यू को रीड करके यहाँ पे जो हमने कंडीशन डाली थी कि इफ सेंसर कोई वैल्यू सेंस करता है, यानी कि सेंसर वैल्यू जब जीरो होती है तो एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मैं सेंसर के आगे कोई ऑब्स्टेकल रखता हूँ तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है और तब तक ऑन रहेगी जब तक कोई ऑब्स्टेकल रहेगा। ओके, जब ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे एलईडी ऑफ हो जाएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें कोई ऑब्स्टेकल आता है तो कोई इंडिकेशन मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप इस टाइप के प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपने शायद कार में देखा होगा, कार में पीछे सेंसर लगे होते हैं। जब भी आप कार पीछे लेते हो तो जब भी कार पीछे लेते वक्त कोई ऑब्स्टेकल पीछे आ जाता है तो ऑटोमेटिक उसका एक बजर ऑन हो जाता है। ओके, कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है। ओके, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं इसके लिए आप इस तरह के सिंपल कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आर्डुइनो के हम और भी अलग अलग ट्यूटोरियल देखेंगे, सिंपल कोडिंग देखेंगे और देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन इसकी किस तरह से होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।